जवानों ने जो इतना लंबा अरसा जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं, उसके लिए हम हमेशा के लिए इनको आभार व्यक्त करते हैं। और अभी यात्रा के साथ ये लोग जो जुड़े थे, और जब नेचुरल क्लेमिटी वहां गुफा के ऊपर थी, और सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी फोर्स की हुई तो आईटीबीपी की हुई कि लड़कों ने बहुत अच्छे से काम किया और रेस्क्यू में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। यात्रा समाप्त होने पर ये लोग वापस लौट रहे थे। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी जो इनको लेके आ रही थी वो हादसे का शिकार हुई, और उसमें जितने लोग बैठे थे सारे के सारे जख्मी हुए। कुछ को ज्यादा लगी, कुछ को कम, और अनफॉर्चुनेटली सात जाने इसमें जाया हुई। हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, आईटीबीपी की तरफ से, तमाम फोर्सेज की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और ऑनरेबल एलजी साहब खुद जहां पर तशरीफ लाए थे उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि इनको अर्पित की है। हम लोग सब इनके ऋणी हैं, इन्होंने जो जहां पर जिम्मेवारी जो फर्ज इन्होंने दबाया है, और हम इन परिवार के ताई अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, और ऊपर वाला उनको हिम्मत दे, हौसला दे। कितने इंजर्ड देखिए, सभी लोग 40 लोग जो चल रहे थे 40 के 40 ही जख्मी थे, इसमें सात की डेथ होगी। 33 को वैक्यूएट किया था, जिन 33 को वैक्यूएट किया उसमें चार की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, उनके स्पाइनल इंजरीज वगैरह है। बेहतरीन इलाज उनका जहां पर हो रहा है, कल की वैक्यूएशन अगर आप देखें तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और इससे फास्ट वैक्यूएशन हो नहीं सकती। बड़े कम समय के अंदर हर किसी को वहां से पहलगाम से अनंतनाग, और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए से सबको जहां पर ऑल 33 वर शिफ्टेड टू आर्मी हॉस्पिटल, और वहां से चार लोग आगे रेफर किए गए थे स्किम्स में, सुरा में, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी फैसला करेंगे, अगर उनको कहीं और ज्यादा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो डीजीआईटीबीपी खुद आए हैं, और डीजीआईटीबीपी खुद देख रहे हैं, कल से खुद सुपरवाइज कर रहे हैं कि किसको किस तरह की इलाज की जरूरत है। उनको अगर जरूरत पड़ेगी दिल्ली शिफ्ट करने की तो दिल्ली शिफ्ट करें। सिचुएशन को कैसी दे रहे हैं? अभी भी जो वायलेंस हादसों को बड़ी सख्ती से कुचला जाएगा, नाकाम किया जाएगा। कल का केस जो है उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हुई है जो शुक्रिया। कल वाले केस में हम लोग पहचान कर चुके हैं कि उस केस में कौन इन्वॉल्व है, कौन दो लोग आए थे जिन्होंने इसका कत्ल किया, उसका पता चल गया है, और उसके लिए बराबर कार्रवाई जारी है, फॉलो अप एक्शन जारी है, सख्त दंड दिया जाएगा। जवानों ने जो इतना लंबा अरसा जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं, उसके लिए हम हमेशा के लिए इनको आभार व्यक्त करते हैं। और अभी यात्रा के साथ ये लोग जो जुड़े थे, और जब नेचुरल क्लेमिटी वहां गुफा के ऊपर थी, और सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी फोर्स की हुई तो आईटीबीपी की हुई कि लड़कों ने बहुत अच्छे से काम किया और रेस्क्यू में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। यात्रा समाप्त होने पर ये लोग वापस लौट रहे थे। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी जो इनको लेके आ रही थी वो हादसे का शिकार हुई, और उसमें जितने लोग बैठे थे सारे के सारे जख्मी हुए। कुछ को ज्यादा लगी, कुछ को कम, और अनफॉर्चुनेटली सात जाने इसमें जाया हुई। हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, आईटीबीपी की तरफ से, तमाम फोर्सेज की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और ऑनरेबल एलजी साहब खुद जहां पर तशरीफ लाए थे उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि इनको अर्पित की है। हम लोग सब इनके ऋणी हैं, इन्होंने जो जहां पर जिम्मेवारी जो फर्ज इन्होंने दबाया है, और हम इन परिवार के ताई अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, और ऊपर वाला उनको हिम्मत दे, हौसला दे। कितने इंजर्ड देखिए, सभी लोग 40 लोग जो चल रहे थे 40 के 40 ही जख्मी थे, इसमें सात की डेथ होगी। 33 को वैक्यूएट किया था, जिन 33 को वैक्यूएट किया उसमें चार की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, उनके स्पाइनल इंजरीज वगैरह है। बेहतरीन इलाज उनका जहां पर हो रहा है, कल की वैक्यूएशन अगर आप देखें तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और इससे फास्ट वैक्यूएशन हो नहीं सकती। बड़े कम समय के अंदर हर किसी को वहां से पहलगाम से अनंतनाग, और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए से सबको जहां पर ऑल 33 वर शिफ्टेड टू आर्मी हॉस्पिटल, और वहां से चार लोग आगे रेफर किए गए थे स्किम्स में, सुरा में, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी फैसला करेंगे, अगर उनको कहीं और ज्यादा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो डीजीआईटीबीपी खुद आए हैं, और डीजीआईटीबीपी खुद देख रहे हैं, कल से खुद सुपरवाइज कर रहे हैं कि किसको किस तरह की इलाज की जरूरत है। उनको अगर जरूरत पड़ेगी दिल्ली शिफ्ट करने की तो दिल्ली शिफ्ट। सिचुएशन को कैसी दे रहे हैं? अभी भी जो वायलेंस